हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया हो? आज मैं आया हुआ था अपने दूसरे वाले घर पे मम्मा को ड्रॉप करने, तो मम्मा को ड्रॉप किया, सोचा आपको भी वीडियो दिखाते चलूँ, ब्लॉग एक अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़, आपको पता है अभी मैं ब्लॉग मतलब दो ही ब्लॉग डाले हुए हैं, लेकिन बहुत मतलब ठीक है उस हिसाब से, बहुत है मतलब यार स्टार्टिंग में आप बंदा बोलेगा ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा कुछ, उस हिसाब से ठीक है यार। थैंक यू, आप मेरी सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे आपको दिखाता हूँ मैं रोड यहाँ का कैसा है और कितना डेंजरस है यहाँ पे। सो गाइस, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे मतलब रोड ऐसा डेंजरस है, ऐसा डेंजरस है, ऊपर से इतनी हवा चल रही है, मतलब बहुत डेंजरस सा रोड है यहाँ पे। लेट्स सी, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस। मैं आया हुआ था मम्मा को ड्रॉप करने, मम्मा को ड्रॉप किया इधर, क्योंकि वापस जा रहा हूँ मैं कल जम्मू, तो मम्मा दूसरे वाले घर पे आई है, मैं वापस अपने वाले घर पे जा रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ का रोड जो है ना, वो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, और इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे। एक्चुअली रेलवेज के प्रोजेक्ट चलते ना यहाँ पे, बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी अपनी खुद की बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, और मतलब रेलवेज के साथ, तो यहाँ पे मतलब बहुत उन गाड़ियों की वजह से, मशीन्स की वजह से, आप देख रहे हो आगे डस्ट कैसे उठ रही है, और रोड का हाल तो आपको दिख ही रहा है ना कि क्या है यहाँ पे। ज्यादा बड़ी गाड़ियां चलने की वजह से यहाँ पे रोड का ना इतना डैमेज हो गया हुआ, देखो आप, जो आपको गाड़ी की नॉइसेस आ रही होंगी, तो मतलब यहाँ पे आपको पता ही, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था यहाँ पे चलती यही बोलेरो है मेरी वाली, तो यहाँ चले भी ना। ये देखो आप क्या हो रहा है आगे, मतलब इतनी हवा चल रही है, इतनी विंड है कि बंदा उड़ जाए। तो गाइस, ये देख रहे हो आप, नीचे ये चिनाब है यहाँ पे ना, डायरेक्ट नीचे ये चिनाब है यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से रोड है और वो चिनाब है वहाँ ना, मतलब कितना डस्ट उठ रही है विंड की वजह से, इतनी डस्ट उठ रही है इस रोड पे, मतलब आप देख रहे हो एक्सट्रीम डस्ट उठ रही है यहाँ पे। रोड तो आप देख ही रहे हो, सिंगल रोड है, ऊपर से बड़ी गाड़ियां भी आती हैं यहाँ से, मतलब रिस्की रोड है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और नीचे सीधा खाई है, मतलब बड़ा रिस्की सा है यहाँ पे सिस्टम सारा। और ऊपर से ना वो देख रहे हो, वो पहाड़ी जो ऊपर से उधर से ना, ऊपर से पहाड़ी पूरी निकल के आई हुई है, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, ऊपर से पूरा रोड नीचे निकल गया है। मैंने आपको बताया था ना, ये वो यहाँ से आती है पस्सी, ये टोटल रोड डैमेज हो गया था, अब ये दोबारा से बनाया हुआ ये जगह। गाइस दिख रहा है ना, ये ऊपर से सारा का सारा ना, ये ऊपर से सारा नीचे उतर के आया हुआ है सारा। सो यहाँ बहुत रिस्की है, मतलब बारिश के टाइम पे भी यहाँ तो बहुत रिस्क होता है, आज तो चलो बारिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक किस्म का रिस्की बहुत ज्यादा है, मतलब डेंजरस है बहुत, लेकिन लोग चलते हैं, अब जिन्होंने जाना है उन्हें तो जाना है। ये देखिए आप, तो आपको फील हो रहा होगा मेरा मोबाइल हिलता हुआ, कि इतना बाउंसी रोड है, इतना बाउंसी है कि खड्डे इतने, गाड़ी उछल उछल के चल रही है। ये देखो यहाँ पे नीचे ना क्रशर है रेलवे का, यहाँ से सप्लाई आती है, मतलब रेत बजरी वगैरह जो होती है यहाँ से जाती है। और ये देखो यहाँ पे देख लो आप रोड कितना डेंजरस है यहाँ पे इस जगह में, बट व्यू क्या आ रहा है, मतलब क्लाउड्स कितने प्यारे आ रहे हैं, बहुत प्यारे आ रहे हैं। ये देख लो आप रोड यहाँ पे कितना है, और नीचे ये क्रशर है, मतलब यहाँ पे बहुत डेंजरस सा रोड है यार, एक्सट्रीम डेंजरस। ये देखो, और नीचे सीधा खाई। गाइस ये है यहाँ का हाल रोड का, ये मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो यहाँ से वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, बिकॉज ये इतना डेंजरस है कि बंदे का ध्यान थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो गाड़ी सीधा नीचे है। बट मैंने सोचा चलो मैं इस साइड आया हुआ हूँ, एक व्लॉग बना देता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ से मतलब कितना एक्सट्रीम ऑफ रोड है इस जगह से, दिस वन इज द डेडलीस्ट वन, ये जो रोड है डेडली रोड है प्रॉपर। लोग बोलते हैं ना ऑफ रोड करते हैं हम वो ये, मगर जब इन रोडों पे जो बंदा मतलब नेचुरली जो यहाँ से जो बंदे यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए क्या ऑफ रोड है, वो चलते ही ऑफ रोड पे है, वो कभी ऑन रोड चले ही नहीं है, मतलब जो यहाँ से जो भी चलता है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे चलता है। अब किसी किसी जगह पे यहाँ लुक डली हुई है, लेकिन गाड़ियाँ ज्यादा चलने की वजह से वो लुक भी उड़ गई हुई है, और सिंगल रोड है, एक साइड से आ रही है, अगर दूसरी गाड़ी आई तो आप फंस जाते हो बीच में,
अब देखो वहां पे गाड़ी रुकी है, शायद अगली साइड से गाड़ी आ रही है। अब वो गाड़ी निकल गई तो ये गाड़ी आगे चली, इट्स लाइक दैट। मतलब यहाँ पे ऐसा ही है सिस्टम। बट हाँ, अगर आप बोलो कि सुकून शांति, तो उसका यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं। लोग बोलते ना गांव में क्या रखा है, लेकिन जो गांव है ना, मतलब जो गांव से है उसको खुद को पता है कि मतलब गांव की चीज़ें, चाहे आप कितनी भी सिटी में चले जाओ, कितने भी चले जाओ, लेकिन जो एक फील होता ना, वो अपने उसी गाँव में ही आता है। आप जहाँ मर्जी रह लो, सिटी में रह लो, आप कहीं भी दूसरी कंट्री में रह लो, फैमिली और रिलेटिव वो बाहर नहीं मिलते। माँ बाप होते वहीं वहीं पे, मन तो वहीं पे रहता है ना। मम्मी पापा वहाँ होते नहीं, जब उनको उनकी ड्यूटी यहाँ पे है, तो मतलब वही ना, आप माँ बाप के साथ ही है जो कुछ होता है। मतलब बाहर जितना मर्जी बंदा रहते, आना तो घर ही है ना आप। गाड़ी डस्ट से इसका हाल देखो क्या हो गया यहाँ पे। मतलब यहाँ इतनी डस्ट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम डस्ट है यहाँ पे रोड पे, इतनी कि बड़ी गाड़ियों की वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम डस्ट हो गई है लोगों के यहाँ पे। अगर मैं 2 मिनट यहाँ बाहर रुकूँ ना, तो मेरा मुँह पहचानने में नहीं आएगा कि ये मेरी शक्ल यही है क्या। ऐसे इस टाइप का यहाँ पे सीन है। ये जो रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है ना जम्मू से कश्मीर के लिए, वो जो थ्रू मतलब वो यहाँ से ही हो रही है, बीच में से यहाँ पे भी एक स्टेशन है उनका। तो यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे के, बहुत एक्सट्रीम, तो यहाँ बहुत काम चलता है रेलवे का। ये देखो ये जो नीचे जा रहा है ना रास्ता, ये टनल के लिए, जो यहाँ पे टनल बन रहा है आगे, तो ये उसके लिए, वो आपको दिख रहा होगा तो स्लाइटली थोड़ा सा टनल, ये जो नीचे है ना ये टनल बना हुआ रेलवे का। अब यहाँ पे भी काम मैक्सिमम कंप्लीट हो गया हुआ है, ये वाला काम भी। अब जल्दी यहाँ पे मतलब ट्रैक्स बिछने वाले हो गए हैं, तो अब यहाँ से भी मतलब रेल चलेगी जम्मू के लिए भी, कश्मीर के लिए भी। बारिश भी शुरू हो गई, अब अभी मैं रास्ते में ही था और बारिश पड़ना भी शुरू हो गई। अभी देखना आपको एक जगह है ना रास्ते में, कितना गंदा रोड है, वहाँ बारिश की वजह से क्या हाल होता है। वो पहले ही इतना गीला था, वहाँ इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, और अब और बारिश भी लग गई है, तो अब देखते हैं वहाँ कैसे निकलेगी गाड़ी। आपको दिखाता हूँ मैं आगे। यहाँ पे ना स्टेशन बन रहा है नीचे, ये इनके क्वार्टर्स हैं जो गवर्नमेंट रेलवेज है ना, उनकी ये फ्लैट्स हैं यहाँ पे, और ये नीचे स्टेशन बन रहा है। सारा काम जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आगे वो पहाड़ी दिख रही है आपको, वहाँ पे भी टनल, वहाँ से भी टनल बन रहा है। सो ये प्रॉपर मतलब यहाँ पे इतना काम चल रहा है आजकल एक्सट्रीम। तो ये यहाँ पे मतलब ये है इसका, देख सकते हो आप नीचे, नीचे स्टेशन बन रहा है, काम लगा हुआ है अभी भी। वो देखो मशीन्स लगी हुई नीचे। गाइस ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे, अब आप यहाँ से आगे देख लो रोड कैसा, मतलब कितना खराब है रोड यहाँ पे आ गया। ये देख लो आगे आप, ये देखो क्या हाल है।
देख रहे हो आप, ये है इसका हाल रोड का। ये ना एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे हाल खराब है रोड का। आपको अभी मतलब फोन में तो उतना आपको दिख नहीं रहा होगा कि इस टाइम पे कितना मतलब गंदा रोड है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, बहुत ही गंदा। मतलब बाउंस ही तो आप फील कर ही होगे ना, कितनी बाउंस कर रही है गाड़ी। ये देखो ये देखो, ये अभी यहाँ पे बारिश ना रुक गई दोबारा से। अगर यहाँ पे बारिश होती यहाँ पे तो गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा। अब फाइनली अब तो ठीक है रोड, यहाँ से आगे तो ठीक है रोड। अब मैं घर भी पहुँचने वाला हूँ, अब मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। गाइस मैं अपने घर पहुँच गया, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट्स में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।